आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के सहित कोई भी सार्वजनिक परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त प्रावधानों वाला एंटी चीटिंग बिल राजस्थान विधानसभा में पास हो चुका है। बिल में परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल गिरोह में शामिल लोगों को अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। नकल कराने में शामिल लोगों पर सजा के साथ 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा और इस बिल में नकल गिरोह के लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर उसे कुर्क करने और सीज करने का भी प्रावधान है। विधानसभा में नकल और पेपर लीक विरोधी बिल पास हो गया। नकल विरोधी कानून में जो प्रावधान तय किए गए हैं उससे नकल करने वाले विद्यार्थियों के लिए 3 साल के कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक के लिए परीक्षा से डिबार करने का प्रावधान तय किया गया है। इसके अलावा दोषियों की संपत्ति जब्त करने, कुर्क करने का प्रावधान भी किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि हमें पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। हमने कानून बनाया है लेकिन हमें मोरल ड्यूटी भी निभानी होगी। आगे कुछ चीजें आएंगी तो कानून में धाराएं भी जुड़ती चली जाएंगी। अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों के लिए दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत 3 साल तक का कारावास, न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड एवं सार्वजनिक परीक्षा से 2 वर्ष के लिए वंचित किया जाना सम्मिलित है। इसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से चल या अचल संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। सदन में बिल पर चर्चा और बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भावुक हो गए। कटारिया ने कहा कि कई लोग अपना घर और खेत बेच कर पढ़ते हैं लेकिन जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो जहर खाकर मर जाते हैं। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है और हम इस कानून को लाकर दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। लेकिन इस कानून से कुछ भी नहीं होगा, इसके लिए परीक्षा का सिस्टम बदलना होगा। घर बेच करके पढ़ता है, खेत बेच करके पढ़ता है लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है और हम इस कानून को ला करके दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिया। इस कानून से कुछ भी नहीं होगा, मैं आज आपको कह रहा हूँ। इस मामले में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि यह कानून देश में एक नजीर बनेगा और प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए कैबिनेट में लंबे डिस्कशन के बाद इस कानून में कटौती प्रावधान तय किए गए। इस प्रावधानों के चलते नकल और पेपर लीक को रोकने में मदद मिलेगी। सजा के जो प्रावधान किए गए उससे संगठित गिरोह और व्यक्तिगत रूप से भी लोग नकल से दूर रहेंगे और सरकार ने 10 संस्थानों के बारे में तो लिख दिया है और समय से पर किसी भी परीक्षा के लिए एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके इस एक्ट को लागू करने के बारे में इसका उपयोग ले सकेगी। इसके नकल भी तो रोकथाम लगेगी लगेगी, जो अपराधी गिरोह है उसके ऊपर भी रोक लगेगी। नकल विरोधी कानून बनने से नकलची गैंग और दलालों पर नकेल तो कसेगी लेकिन उस सिस्टम का क्या होगा जिसकी शह पर तमाम खेल होते हैं। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। टोंक दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीज पुनिया।